बहुत मुझे ड्राइव में इतना लत लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि मैं मेन बाइक चला रहा हूँ। बैठा तो मेरे को बहुत ही गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो कैसे हो आप लोग, होप सब बढ़िया हो गए एंड कोविड के कारण अपने प्रिकॉशंस वगैरह ले रहे होंगे। तो बाहर थोड़ी सी एक कंस्ट्रक्शन चल रही है सामने घर में एंड मेरी आपको वॉइस भी थोड़ी सी आपको डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि कल मैं अमृतसर गया था तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा बारिश में भीग गया था, मेरे को कोविड हो गया। तो थोड़ा सा बेयर कर लेना मेरी वॉइस को। तो बाहर मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, तो अभी मैं जा रहा हूँ जीजू की फैक्ट्री। तो उसके पहले मैं जाऊंगा अपने कॉलेज क्योंकि ऑफिशियली आज मेरे पेपर स्टार्ट थे बट ड्यू टू कोविड मेरे जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के थे तो वो उन्होंने पोस्टपोन किए हैं, अभी शायद कैंसिल किया, अभी कोई नोटिस नहीं आया। बट आज जो है सिर्फ फाइनल के पेपर है तो पहले मैं वहाँ पर जाके कन्फर्म करूँगा, तो उसके बाद जीजू की फैक्ट्री में चलते हैं। तो फिर मैं भी घर से निकल रहा हूँ तो आपको सीधा कार में। तो घर से हम निकल चुके हैं तो मेरे को कार के टायर्स में थोड़ी सी हवा कम लग रही, तो पहले हम हवा इसकी चेक करवाएंगे। तो गाड़ी एक साइड पे बहुत जा रही है तो ये रश भी काफी लगा हुआ है। हवा घट लग रही है ना, ज्यादा ही घट है। तो गाड़ी भी काफी गंदी हुई है बारिश के कारण, इसको धुला नहीं रहा कि पता नहीं कब बारिश पड़ जाती, अभी भी बारिश पड़ने वाला मौसम हुआ पड़ा। तो लेफ्ट वाले टायर में 15 PS थी तो अगर उसमें चाहिए होती है 35 PS, मतलब 20 PS ड्रॉप कर गई थी। तो शायद वो कह रहा था कि टायर पंचर भी हो सकता है बट मैंने कहा अभी तू हवा भर दे, देख लेंगे बाद में, अगर पंचर होगा तो लगवा लेंगे, अगर कम होगी दोबारा से। कहते चलो ठीक है। मैंने AC भी बंद कर दिया है, मैं कहा और मेरा कोल्ड दोबारा ट्रिगर ना हो जाए कि अगर थोड़ी सी नाक को सर्दी लग जाती है तो फिर स्नीजिंग पे स्नीजिंग बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत आती है। अगर थोड़ा सा पानी लग जाए और थोड़ी सी ठंड लग जाए नोज़ को, शायद कोई एलर्जी है, उसका भी देखेंगे, उसका भी कोई टेस्ट वगैरह करवाएंगे। अगर बॉडी में थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाए ना तो पूरी बॉडी बहुत लो फील करती है। और ये देखो पता नहीं किधर घुसाई जा रहा है, इनके कारण ही ट्रैफिक लग जाता है ज़्यादा। चलो कोई नहीं, हम तो अपनी लाइन में जा रहे हैं आराम आराम से, बस यही होता है कि कोई ठोक ना दे। मैं अभी कॉलेज से अंदर से हो गया हूँ, अंदर मैंने कैमरा वगैरह यूज़ नहीं किया क्योंकि अंदर काफ़ी बच्चे वगैरह थे एंड सिक्योरिटी वगैरह भी थी क्योंकि आज फाइनल ईयर का पेपर हो रहा है। तो मैं आज सिर्फ इसलिए गया था कि मैं क्या, मेरे को डर था कि कहीं और शायद टेक्निकल इश्यूज़ के कारण शायद हो सकता है कि मेरा ही हॉल टिकट ना आया हो, बाकी सब का आ गया हो, बट नहीं, अब मेरे को सेटिस्फेक्शन चलो थोड़ी बहुत मिल गई है कि सिर्फ फाइनल ईयर के पेपर ही हो रहे हैं, मेरा नहीं हो रहा पेपर। तो बाकी अभी बाकी जो मैंने आपको बोला था कि कहते कोई अभी नोटिस नहीं आया कि पोस्टपोन किया उन्होंने के एक्सटेंड किया, वो देखो बाकी पता चल जाएगा। वो कहते शायद एक दो दिन में आपको नोटिस आ जाएगा आपकी मेल पे, तो बाकी देखो वेट करते हैं क्या बनता है। कार है तो ये जीजू की कार है तो अब मैं इसमें जा रहा हूँ। अभी गाइस 2 बज गए तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 12:30 जीजू की फैक्ट्री पहुंच गया था। तो उनके पास एक दो पार्टीज बैठी हुई थी तो इसलिए उनको टाइम लग रहा था, तो हमने सैटरडे को जीजू की कार के सीट कवर का ऑर्डर दिया था तो आज हम वही डलवाने जा रहे थे। तो फिर उसके एक दो फ़ोन भी आ गए थे जो जिससे हमने सीट कवर मक्की स्टिच करने दिया उसको, तो वो कह रहा था कि मैं मेरे को बाद में जाना है कहीं तो जल्दी आ सकते हो तो मतलब कि आ जाओ। तो फिर जीजू कहते कि चल तू मेरी कार लेके जा, मैं कहते 15-20 मिनट में या फिर आधे घंटे में मैं भी आ जाऊँगा वहाँ पे। तो मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ तो जीजू भी आ जाएंगे तब तक वहाँ पे, तो मैं शुरू करता हूँ तब तक आधा काम हो जाएगा क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली घंटा लगना है उसको सीट कवर डलने को। तो आपको दिखाते हैं कौन से सीट कवर डलवा रहे हैं। तो अगले हफ्ते मैंने भी डलवाने हैं तो पहले मैं भी साथ में ही देने लगा था ऑर्डर, बट जीजू कहते चल पहले मैं डलवा लेता हूँ उसके बाद तू डलवा ले अगर सही रहे तो।
तो इस बार हम कहते हैं फ्लफी वाले जो सीट कवर आजकल नया ट्रेंड चल रहा है उसका ऑर्डर दिया था हमने। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि वो अच्छे हैं कि नहीं, एंड आपको कहते जब डल जाएंगे आपको दिखाऊंगा भी, मेरे को बताना कि अच्छे लग रहे कि नहीं, तो मैं तभी वही वाले डलवाऊंगा, नहीं तो हम सिंपल वाले भी डलवा लेंगे, उसमें कोई चक्कर नहीं है। बाकी पास में पहुंच गया हूं मैं, काम शुरू कर दिया उन्होंने, तो ये सीटें लगा के उन्होंने कार में रख दी हैं, तो अभी फिटिंग स्टार्ट करने लगे हैं। इसको फिट करते करते अप्रोक्सीमेटली 2.5-3 घंटे लगेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और स्टेयरिंग भी करना है, इसमें भी टाइम लगेगा काफ़ी। तो जीजू भी आ चुके हैं, तो जीजू बताओ कैसे लग रहे हैं? मेरे बहुत बढ़िया लग रहे हैं, वैसे कंफर्टेबल लेवल तो बहुत ज्यादा है इसका, इसको कहते हैं एक्सट्रीम कंफर्टेबल लेवल। एक्सट्रीम कंफर्टेबल लेवल है, तो ऐसे लग रहा है जैसे वही बैक में बैठे होते हैं ना, मॉक में अल्ट्रा कंफर्टेबल हो गई है। बाकी अगर इधर भी लग जाएगा ये कि आर्मरेस लग जाएगी और इस पे लग जाएगा ना, तो प्रीमियम लुक देगा ये पूरा। नहीं लुक भी कंफर्टेबल भी देगा, काफी काम पड़ा अभी, कहते कि 1.5 घंटा भी और लगना, तो हम अभी यहाँ से जा रहे हैं, तो बाकी देखो बाकी आपको दिखाते जब पूरी तैयार हो जाएगी ना फिर दिखाएंगे आपको। अप्रोक्सीमेटली 6 बज गए, तो 6 बजे उसका कॉल आया आपकी गाड़ी रेडी हो गई है तो ले जाओ। तो जीजू कहते हैं अब देखते हैं उसका क्या कंफर्टेबल लेवल होगा उसका। सुबह से गाड़ी दी हुई है तो अभी 6 बजे मिलने लगी है। तो हमें बताओ कि इसका रेट क्या पड़ा? हमने लुधियाने से भी पूछा था कहीं से, तो उन्होंने बोला था 24,000 रुपये। बाकी देखते हैं वहाँ पे जाके बताते हैं आपको। तो फाइनली तो कार रेडी हो चुकी है। सर सच्ची दसो हूँ कितना दिन लगती है कंफर्टेबल लेवल? मन तो बहुत लगी है, मैं तो बस यही पानी है, मैं बैक में बैठ गया हूँ, मुझे तो ऐसे लग रहा है। हमने ये यहाँ से डलवाए हैं कवर, तो अब इनको एक्चुअल प्राइस बताओ कितने का? एक्चुअल इसका प्राइस है 12,000। तो हमने अंकल 17,000 कह रहे थे, हमने बार्गेनिंग कर करके 12,000 में डलवाए हैं। 25,000 की चीज 12,000 में इन्होंने ले ली है, तो सच्ची बहुत कंफर्टेबल है। पीछे भी दिखाओ इनको, पीछे भी दिखाओ कैसे पीछे भी बहुत कंफर्टेबल है। तो जीजू कहते कि आगे आगे भी कंफर्टेबल है, बट जो चीज पीछे कंफर्टेबल है ना, नहीं आगे तो भी बहुत, मुझे ड्राइव में इतना अलग लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि मैं मेबैक चला रहा हूँ, ऐसी फील आ रही है मुझे तो। हम क्रेटा में मर्सिडीज की लेंगे अभी। तो बाकी आप भी कमेंट करके बताना कि मैं यही वाले डलवाऊँ की कोई और डलवाऊ, बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है। तो हमने ये भी आर्म रेस्ट भी होगी, और ये देखो और ये भी गया, ये बहुत मतलब कि प्रीमियम लुक आ रही है इसके साथ। तो बाकी हमने ना एक प्रैंक किया वरुण के साथ, वरुण को हमने बोला है कि हमने 25,000 के डलवाए हैं, ये हमने डलवाए लुधियाने से, तो अब हम जा रहे हैं वरुण के पास, तो देखते हैं उसका कैसा रिएक्शन होता है, उसको कैसा लगते हैं ये। मन उदास से 25,000 हो गए पूरे के नहीं है? सीट के बोले 25,000 दे पाए हैं, जलंधर नानक ढाबे की बैक साइड तो Thank you.
गाइस मैं अभी उस कार में से उठ के अपनी कार में बैठा, तो मेरे को बहुत ही अजीब लग रहा है क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल थी, और मतलब कि उसमें लग रहा था कि काफ़ी हम ऊपर बैठे हुए हैं, काफ़ी मतलब कि ऊपर होगी कार। बट अपनी कार में आने के बाद दोबारा जैसे मतलब कि लग रहा है कि हाँ है तो ये भी कंफर्टेबल है, बट उसके सामने ये वाली सीट तो सच्ची लिटरली कुछ भी नहीं है। तो अभी हमने नानक ढाबे से रोटी खाई तो बहुत अच्छी थी। तो अभी हम ना वैसे जैसे रोज ही जैसे बाहर का खा लेते हैं, बट उसकी रोटी इतनी टेस्टी थी ना, मतलब कि आज ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ हमने गलत मलत खाया है, मतलब कि नहीं तो रोज ही कुछ लगता था कि हमें यार गलत कर ली यार खा के, मतलब कि आज नहीं लग रहा यार। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपको पता है कि जैसे आजकल कहते माउंटेन्स में हिमाचल वाली साइड चल जो जाए, आप जे एंड के वाली साइड जाए, उत्तराखंड वाली साइड चल जो, वहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइडिंग एंड क्लाउड बर्स्ट वगैरह हो रहे हैं। तो मेरा भी प्लान था कि मैंने जाना था स्पीति अपनी कार में, वैसे तो मेरा मन था कि मैं बाइक पे जाऊँ, बट मेरे पास बाइक है नहीं। तो पहले मैंने सोचा कि चलो रेंट पे लेके बाइक चले जाते हैं, बट मैंने कहा चलो एक्सपीरियंस नहीं है उससे, स्पीति से पहले या फिर लद्दाख से पहले एक छोटी सी राइड करके आएंगे जो मतलब कि वन डे की राइड होगी, उसके बाद हम जाएंगे लॉन्ग राइड पे, क्योंकि इसकी बाइक राइड के लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए काफ़ी। तो मैं कभी गया नहीं इतनी दूर बाइक राइड पे, तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि मैंने कहते जो ये रोज आ रहा है कि ये था जहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, जहाँ पे क्लाउड बस्ट हो गया, जैसे रिसेंटली अमरनाथ में भी क्लाउड बस्ट हुआ है 2 दिन पहले, तो मैंने तो अपने प्लान्स वगैरह कैंसिल कर दिए। तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप भी अपने प्लान्स वगैरह कैंसिल कर दो, बाद में घूमना ही है, जान है तो जहान है तो घूमना ही है सारी ज़िंदगी। बाकी यार मेरे को एक चीज़ बोलनी थी, काफ़ी बंदे हैं जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते, तो कर दो यार लाइक सब्सक्राइब, कमेंट भी करते करो, जो चीज़ नहीं अच्छी लगती हम उसमें इम्प्रूव करेंगे कुछ ना कुछ, आप कुछ भी नहीं जाएगा यार सब्सक्राइब करने में, शायद इस गरीब की लाइफ बन जाए, तो कर दो यार 2 मिनट लगेंगे कर दो। सो गाइस रात के 1 बज गए हैं, तो हम ऐसे ही गेड़ी मारने निकले थे, तो घर पे बोर हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी कोल्ड के कारण, तो मैंने कहा चलो एक बार एक गेड़ी मार के आते हैं। तो फिर मैं ऐसे ही बाहर आया था थोड़ी देर के लिए, फिर मेरे को याद आया कि हमने वीडियो को तो एंड किया नहीं है, तो फिर अभी वीडियो को एंड कर देते हैं। सो गाइज इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल हेयर, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर दो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। सो गाइज मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।